गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से मारवाड़ी बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे घर में तो 100-100 कमरे थे और जितना बड़ा ये घर है इतना बड़ा तो मेरे यहाँ पर बाथरूम था और मेरा घर उदयपुर में है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दीप कपाड़िया है, जो कि साल 1979 में अपने पुनर्जन्म में मुंबई में पैदा हुआ है। और जब उसने ये सब बताया तो उसका परिवार उसे उदयपुर लेकर गया और हैरानी की बात यह है कि वो वहां जाते ही एक एक चीज बताने लगा कि ये विक्टोरिया महल है, ये सिटी पैलेस है, ये फतेह मेमोरियल हॉल है। ये सारी चीजें उसको पता थी। उसने ये भी बताया कि वो अपने पहले जन्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था, जिसको जहर देकर साल 1976 में मार दिया गया था। और जब ये बात 100% प्रूफ हो गई तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उससे मिलने आए, यहां तक कि दलाई लामा भी उससे मिलने आए। बहरहाल दीप कपाड़िया अभी मुंबई में है और उनकी इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको चौंका दिया है। वैसे गाइस, आपका पुनर्जन्म के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपकी प्यार की जरूरत है।